नमस्ते डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बेस बनाने चल रहे हैं। एक ऐसी बिस्लेरी की बॉटल का वेस्ट मटेरियल का बहुत ही सुंदर सा गमला, गुलदस्ता, फूलदान, जो भी समझ कह आपके यहाँ जो बोला जाता हो वही हम तैयार करने चल रहे हैं। हमारे छोटे छोटे से कोने जो खाली रहते हैं, मेज हमारी सजाने के लिए बहुत ही सुंदर आइडिया है और बहुत ही यूज़फुल है और बहुत ही एक्सपेंसिव भी दिखेगा। हम तैयार करके दिखाते हैं और आप उसे ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ही खूबसूरत लगेगा, आपके घर को बहुत ही सुंदर बनाएगा। देखते हैं फिर हमारा ये कैसे तैयार होता है। हाँ, चैनल में पहली बार आए हैं तो जल्दी से चलिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे ऐसे ही वीडियो अच्छे अच्छे मिलते रहें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, हमने ये जो पानी की बोतल जो हम पीकर फेंक देते हैं, हम उसी का उपयोग कर रहे हैं। इसके हमने कागज़ ऊपर से निकाल लिए हैं। कुछ इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमारे घरों को बहुत ही खूबसूरत बनाए। मैंने तो ऐवें ही बना दिया था इसको, और लेकिन ये बनने के बाद इतना खूबसूरत लगा कि इसे मैंने अपने सेंटर टेबल पर रख दिया है। इसे इस तरह से कट कर लेंगे। छोटे से ये पॉट का शेप देने के लिए हमें इसे आधे पर से कट कर लेना है। ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है। अब इसमें हम ये कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा रखा था, उसको हम ऐसे यूँ कुछ इस तरह से ग्लू गन या फेविकॉल, आपके पास जो उपलब्ध हो आप उससे इसको चिपका देंगे। ये कुछ बड़ा साइज है इसलिए इसे हम कट करेंगे और इसे हम कट करने के बाद इसे ग्लू गन से या फेविकॉल, फेविक्विक, आपके पास जो हो। ये हमने कॉर्नफ्लेक्स के अंदर जो पैकेट रहता है ये उसका हमने संभाल के रखा था। ये काफ़ी चमकदार था इसलिए हमने इसे रख दिया था कि ये किसी चीज़ में यूज़ हो जाएगा। तो इसकी एक पतली सी हम पट्टी सी काट लेंगे। इसकी पतली सी पट्टी कट कर लेंगे और फिर देखते हैं इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं। मैंने तो ये छोटा सा सुंदर सा तैयार किया है। इसमें कुछ अलग हो सकता हो तो आप उसे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके ये मैंने कार्डबोर्ड लिया था, उसके छोटे छोटे हार्ट के पीसेस कर लेंगे और उसे रेड कलर से कलर कर लिया है। आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, आप इसमें बटरफ्लाई भी बना सकते हो और भी कुछ अच्छी सी जो आपके पास आइडियाज़ हो आप वो यूज़ कर सकते हो। इसमें टेडी भी कर सकते हो। मुझे इस समय वैलेंटाइन डे सीज़न चल रहा है इसलिए हार्ट शेप लगा ज़्यादा इजीली लगा। आप इसे ब्रश से कलर कर सकते हो। अगर आपको आपके पास ब्रश या कलर एक्रेलिक कलर यूज़ कर आप इसमें एक्रेलिक कलर यूज़ करोगे तो एक्रेलिक कलर जल्दी सूखता है, या तो फिर आप ये स्प्रे स्प्रे भी आप इस पर कर सकते हो। स्प्रे जो होता है वो जल्दी थोड़ा जल्दी हो जाता है, ब्रश से आपको थोड़ा टाइम लगेगा करने में। कुछ इस तरह से आप स्प्रे भी कर सकते हो। ये देखिए हमारा स्प्रे से ये रहता है, थोड़ा इसमें शाइनिंग भी आ जाती है और थोड़ा चमकदार लगेगा और खूबसूरत भी लगता है। लेकिन आपके पास अगर स्प्रे ना हो तो आप अक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो, वो भी खूबसूरत लगेगा। जैसे ये थोड़ी थोड़ी जगह इसमें छूट गई है तो उसे मैंने अक्रेलिक कलर से किया है। ये देखिए हमारा ये कलर हो गया है। अब हम इसमें ये जो प्लास्टिक की पट्टी कट किया था हमने, उसे चिपकाने के लिए इसमें हम फेविकॉल का यूज़ कर रहे हैं। इसे चारों तरफ से फेविकॉल लगा लेंगे इसमें। ये देखिए बहुत ही इजीली, बहुत ही हल्के हाथ से आराम से हम इसमें फेविकॉल लगा लेंगे चारों तरफ। ये हमारा फेविकॉल लग गया है। अब इसमें हमने जो वो पॉलीथीन कट की थी वो नीचे ऐसे लगा देंगे। देखिए ये लग गया है और कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये।
इसको लगाने से इसका लुक अलग ही हो गया है। अब हमने इसमें जो हार्ट कट किया था वो पेस्ट कर दिया है। इसमें ऊपर से हम वो जूट की जो रस्सी आती है उसे लगाएंगे। जूट की रस्सी मैंने तो ग्लू गन से वो किया है ताकि जल्दी से लग जाए। आपके पास फेविकॉल से भी आप कर सकते हो। ये देखिए, ये हमारा कितना ही सुंदर सा तैयार हो रहा है। इसमें आप फ्लावर भी रख सकते हो, आप इसे गुलदस्ता भी बना सकते हो, इसे किसी कॉर्नर पर रख सकते हो, सेंटर में मेज पर रख सकते हो। इसका लुक बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत आता है। हमारा ये सस्ता सा आइटम देखने में काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है। ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से तैयार करके हम अपने घर को देखिए कितना खूबसूरत कर सकते हैं। ये देखिए कितना ये खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, मैंने अपने सेंटर टेबल पर इसे सजा दिया है और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। वाओ, ऐसा ही आप तैयार कर सकते हैं। आपको पसंद आए तो आप एक लाइक ज़रूर करें। देखिए कितना ही एक्सपेंसिव और कितना ही खूबसूरत हमारे घर को सुंदर बना रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा फूलदान? पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी ये आर्ट आपको बहुत पसंद आई है। हाँ, आप ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं आपके सपोर्ट से और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। धन्यवाद।